जिला सचिवालय में डेयरी संचालक और किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। डेयरी संचालकों और किसानों ने नारेबाजी कर अपना रोष जाहिर किया। वहीं इस दौरान डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया। डेयरी संचालकों ने डीसी को ज्ञापन सौंप कर मांग उठाई है कि पिंगली गांव में जो प्लाट नगर निगम की ओर से दिए गए हैं वहां कोई भी सुविधा नहीं दी गई। किसान अपने खेत में डेयरी चलाना चाहते हैं, उनको बैंक से लोन दिया जाए। जो डेयरी पिंगली में बनाई जा रही है वह शहर से बिल्कुल बाहर बनाई गई है, जहां सभी डेयरियों का जाना मुश्किल है, इसीलिए प्रशासन द्वारा दूसरी साइड में डेयरी के लिए जगह दी जाए। आपको बता दें कि जिला प्रशासन से डेयरी संचालकों ने मांग की है कि नगर निगम उनकी डेयरी सील ना करे और पशु जब्त ना करे। किसान खेत मजबूर के बैनर तले आज डेयरी मालिक जिला सचिवालय में पहुंचे थे। सभी डेयरी वाले किसान भी हैं, वह प्लाट नहीं लेना चाहते। उनकी मांग है कि खेत में ही वह डेयरी चलाना चाहते हैं, इसीलिए समय दिया जाए। आपको यहां यह भी बताते चले कि करनाल नगर निगम द्वारा शहर में मौजूद डेयरियों के ऊपर कड़ा संज्ञान लिया गया है। नगर निगम अधिकारियों ने इन सभी डेयरी संचालकों को पहले नोटिस दिया था, लेकिन डेयरी संचालकों ने डेयरी शिफ्टिंग करने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। नगर निगम द्वारा लगभग 45 डेयरियों को सील कर पशुओं को जब्त किया गया था। डेयरी संचालकों के पशुओं को छोड़ने की एवज में 5,000 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है। देखिए करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। आज करनाल शहर के सारे डेयरी फार्मर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और प्रशासन जिस तरीके से पिछले कई महीनों से धक्के से जोर जबरदस्ती से कोरोना महामारी में, जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, नगर निगम प्रशासन धक्के से डेयरी फार्मरों के घरों में घुस रहा है और महिलाओं के साथ और डेयरी फार्मर्स के साथ बदसलूकी करके उनके पशुओं को जबरदस्ती धक्के से उठाया जा रहा है और उन पर भारी जुर्माना लगाया है। और जिन डेयरियों में कोई भी पशु नहीं है, जिनमें काम बंद है, वहां भी जुर्माने लगे हैं और उन डेयरियों को भी सील कर दिया गया। चाहते हैं हम यहाँ डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। जो पिंगली डेयरी कॉम्प्लेक्स है वहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। वहाँ कोई तालाब नहीं है, कोई चार दीवारी नहीं है, 20-20 फुट के खड्डे हैं। हम चाहते हैं उस जमीन को समतल किया जाए और उसकी चार दीवारी किया जाए। पार्ट ए और पार्ट बी जो है उन पे गेट लगाया जाए, सिक्योरिटी लगाई जाए, बिजली की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए और जो वहाँ का गंदा पानी है, पीछे एक ड्रेन है उसके साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए। और मूल उन जो किसान जिन किसानों ने सिक्योरिटी वहाँ जमा करवाई है, उन किसानों को बैंक लोन की फैसिलिटी होनी चाहिए। पैसे जिन किसानों ने, हम कह रहे हैं जिन किसानों ने जमा करवाए हैं, वो आगे अपनी और किस्त देने के पास उनके पास पैसे नहीं है। सरकार जो किसान की तर्ज पर लोन दे, केसीसी बनाए, 4% से कम लोन रखे, किसान लेने के लिए तैयार है। और कुछ किसानों की ये मांग है, क्योंकि ये एक कोने में पड़ गया शहर से बाहर और शहर है तकरीबन 15 किलोमीटर लंबा। पूर्व की दिशा में एक और डेयरी कम्प्लेक्स बनाया जाए और मूलभूत सुविधाओं का सारी फैसिलिटी देकर उसमें तालाब बनाकर, पानी की टंकी बनाकर, पशु अस्पताल बनाकर, जब काम सारा पूरा हो तब डेयरी फार्मरों को वहां जाने में कोई नुकसान नहीं है। ज्ञापन देंगे डीसी को, ज्ञापन देंगे। और जो किसानों ने सिक्योरिटी जमा नहीं करवाई है, उन्होंने इसलिए जमा नहीं करवाई क्योंकि वो अपने गांव में, जहां उनका 15-20 किलोमीटर दूर खेत है, अपने खेत में बनाना चाहते हैं वो, और उनको 31 मार्च तक की मोहलत दी जाए। और एकदम ऐसे लॉकडाउन में ना तो किसी पास पैसा है, बड़ी प्रॉब्लम है और एकदम धक्का मुक्की करके डंगर लेकर जा रहे हैं और सीलिंग कर रहे हैं। हमने बार बार रिक्वेस्ट भी करी, रिक्वेस्ट कर जना मरता टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो, वहाँ भी खड्डे है, ऐसा डंगर आड़े कैसे चले जाएंगे एकदम। कितना जुर्माना ले रहे हैं आपसे? जुर्माना 5,000 रुपए ले रहे हैं एक डंगर का। हाँ जी, आप क्या चाहते हैं ऐसा ना हो? हम ये चाहते हैं जरा मरता टाइम दो और वो जो जमीन है समतल, उन्हें समतल बना के दो, वहाँ सुविधा दो, गेट बना, बाउंड्री करो उसकी। क्या नाम आपका? महेंद्र सिंह चौहान। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।